أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इयाका नबुदु व इयाका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम वल मुग़ज़ोबी अलैहिम गुजा खुतबात में इस हवाले से बात हो रही है कि जैसे दुनिया में नामवर शख्सियतों ने जो कंट्रीब्यूशन की है इंसान के लिए इसी तरह हमें देखना है कि रसूल करीम अलैहि वसल्लम की कंट्रीब्यूशन बनीनो इंसान के लिए क्या है ऐसे मन में आज मैं एक और पहलू सामने रखना चाहता हूँ जो रसूल करीम ने बयान फरमाया है और वो है जिंदगी जिंदगी की तारीफ़ क्या है जो दुनिया के अलूम है वो क्या कहते हैं और रसूल गम सब ने इस बारे में क्या बयान फरमाया है और इसी जमन में एक और मौजू भी मैं बयान करना चाहता हूँ और इसमें मेरे मुखातिब वो अहबाब हैं जो हमारी जमात में नए शामिल हुए हैं पाकिस्तान से भी अमेरिका से भी वग़ैरह वग़ैरह और ज़िंदगी के जिमन में उनका ज़िक्र करना मैंने बाज़ वजूहत की वजह से पसंद किया जिंदगी के बारे में जो आम तारीफ़ है वो इस तरह है कि हर वो चीज़ जो नशो नमा पाती है यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि उसकी ग्रोथ होती है जो अपने आप को रीप्रोड्यूस करती है यानी आगे उनकी नस्ल चलती है उनमें ऑक्सीडेशन भी होती है इस तरह मुख्तलिफ किस्म की अलामात को जिंदगी कहा जाता है ये तारीफ करना इस वजह से जरूरी है कि जब तक तारीफ ना हो हम चीजों को समझ नहीं सकते सही तरीक से मैं एक बहुत सादा सा एक मामला आपके सामने रखता हूं जिससे आपको तारीफ की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा और ये चंद रोज पहले की बात है मैं अपने काम से घर आने को था तो मेरी बेगम ने फ़ोन किया कि कुछ ये सौदा है लाना है तो सौदा था उसमें टमाटर भी लिखे हुए थे तो मैं जो आम टमाटर होते हैं वो लेके घर आ गया देवी ने सारा सौदा देखा तो टमाटरों को देखकर कहती है कि ये क्या ले आए हैं मैंने तो ये कहा ही नहीं था अब मैंने पूछा कि आपने क्या कहा था आपने टमाटर कहा था और ये टमाटर हैं वो कहने लगी मेरे तो जेन में वो टमाटर था जो हम घर में छोटे छोटे जिनको यहाँ की जुबान में शायद पिकोलिनी कहते हैं बेर जितने होते हैं वो थे अब मसला ये है कि ये फर्क डाल देती है तारीफ अगर मुकम्मल ना हो जिस चीज को मैं टमाटर समझ रहा हूँ मैं वही लेकर आया हूँ और जिस चीज को मेरी बेगम टमाटर समझ रही है वो कोई और चीज है हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे यहाँ जो उसकी तारीफ है जो उसकी शक्ल है वो मुख्तलिफ है ये बहुत सादा सी एक आम मिसाल है जिससे हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को सही समझना और एक मिसाल मैं कई दफा दे चुका हूँ कि स्वीडन में जिस चीज को जिस फासले को मील कहा जाता है वो हमेशा दस किलोमीटर होता है जबकि पाकिस्तान में एक शख्स मील कहता है तो वो वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर होता है तो हमारी जो तारीफ है वो मुख्तफ है और फिर हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते इसी वजह से आज तक ये बहस जमत अहमदिया केमा और जमात के मुखालफ़ा में चलती है मिर्ज़ा साहेब नबी हैं या नहीं हैं और उसकी सारी वजह ये है कि जो नबी की तारीफ़ की जाती है जो ख़ुद भी मिर्ज़ा साहब एक ज़माने में उनके जेन में थी जो दीगर मुसलमानों के अजहान में है वो तारीफ ही मिर्जा साहब के हाँ बाद में कुछ और हो गई और मुसलमानों के हाँ कुछ और हो गई दूसरे जो फिरके हैं जो तारीफ पहले मिर्जा साहब की थी नबी की उसकी रूह से देखा जाए तो मिर्जा साहब आज भी नबी नहीं है लेकिन जो नई तारीफ उन्होंने की उस तारीफ की रू से वह नबी हैं तो ये मसला नबूत का नहीं बल्कि नबी की तारीफ का है ये बातें मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये बजाहर तारीफ बड़ी छोटी सी चीज लगती है लेकिन इसके अंदर बड़ी गहराई और सच्चाइयाँ हैं एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाती है अगर तारीफ जामे हो मुकम्मल हो तो इबहाम नहीं रहता और जब तक तारीफ ना मुकम्मल हो तो उसमें इबहाम बाकी रह जाती हैं ये जो हज़रत मूसा सलाम ने अपने रब के हजूर दुआ की क्या मेरे रब उक्ता तुम मिलसानी यफका मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें ये जाहिरी तौर तो पर भी है और इसमें बात नहीं माने भी हैं कि ये नहीं मैं एक ऐसा बयान हो कि आसान फेहम हो समझ आ जाए मैं ऐसे सादा से अल्फाज में उसको बयान कर दूं कि समझ आ जाए अब ये सारी बातें करने के बाद मैं दोबारा ज़िंदगी के मौजू की तरफ आ जाता हूँ और वहाँ पे भी तारीफ़ का मसला है नासा जो एरोनाटिकल अदारा है अमेरिका में उसने ज़िंदगी की तारीफ़ ये की है लाइफ इज सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल सिस्टम कैपेबल ऑफ एवोल्यूशन देखो ठीक है उनको इख्तियार है वो ये कर सकते हैं इसी तरह हमें अब देखना है कि क्या रसूल करीम सस् ने जिंदगी की कोई तारीफ की और की तो वो क्या की किसकी तरफ मैं आ जाता हूं और इसको आज मैं तफसील किसी हद हाँ तक तफसील से देखूंगा और इस पर तबसरा करूंगा सबसे पहले मैं कुरानी करीम की वो आयत आपके सामने रखता हूँ जो दुआ इब्राहिमी के रंग में कुरान में शामिल है और इससे हम देखेंगे कि कुरान की रूह से रसूल कीम कंट्रीब्यूशन की है जिंदगी की तारीफ के बारे में सूरत बकरा में आता है वाइस काला इब्राहिमो रबे आरिनी कैफा काला, तो मिन। काला, बला। लियत काला फखुस अरबातन मिनत तैरे फसर हुन्ना अलैका सुम अजल अला जबलिन मिन हु जुजान हुन्ना यातीना का सयाम याती वालम हकीम यहाँ पर देखें कि हजरत इब्राहिम सवाल कर रहे हैं कि ऐ मेरे रब मुझे बता मुझे दिखा कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है अब यहाँ सवाल जिंदगी और मौत का है किस चीज को जिंदा कहा जाएगा और वो कैसे होता है अल्लाह ताला ने कहा कि, तो मिन क्या तू ईमान नहीं रखता कि मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं काला बला यकीनन मैं ईमान रखता हूँ हजरत सलाम ने जवाबन फरमाया लेकिन मेरा दिल इतमान चाहता है तो अल्लाह ने कहा कि फिर परिंदों में से चार को ले और उनको अपने साथ मानूस कर ले फिर उनको चारों जाने पहाड़ों पे रख पहाड़ पे रख दे फिर उनको बुला वो तेरी तरफ तेजी से आएंगे यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीज अपने मालिक की तरफ यहां परिंदे उनको फसुर होना अपने साथ मानूस कर ले जब तू उन्हें आवाज देगा तो वो तेरी तरफ आएंगे यहाँ अल्लाह ताला उस सवाल का जवाब दे रहा है कि मैं मुर्दा कैसे ज़िंदा करता हूँ वो ये कहता है कि जब बुलाने वाला बुलाए तो मखलूक उसकी आवाज पे रिस्पॉन्स दे अमल शो करे और उसकी तरफ दौड़े ये ज़िंदगी है यहाँ पर अब हमें ये पता चल जाता है कि रसूल करीम वसल्लम की यह कंट्रीब्यूशन है कि खालिक जिसने पूरी कायनात तख्लिक की है उसकी जानिब सफर करना किसी और की तरफ नहीं खालिक की जानिब सफ़र करना यही जिंदगी है जब मखलूक अपने खालिक के हुक्म के मुताब उसकी तरफ चले तो वो चीज जिंदा है अब इंसान के अलावा कायन की हर चीज यह फालूना मायोमरून के तहत है जो उनको हुक्म दिया गया है उसके मुताबक वो अमल कर रही है ज़मीन घूम रही है और गर्दिश कर रही है तो वो ये करती चली जा रही है जो उस जिस चीज के लिए उसको डिजाइन किया गया वो वो पूरा कर रही है ये चीज इंसानों के लिए है कि वो क्योंकि वो इख्तियार दिए गए हैं तो वो अपनी मर्जी से बजाय खालिक की तरफ से जिस तरफ चाहे दौड़ते चले ये इख्तियार दिया गया लेकिन अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मेरी तरफ जब इंसान दौड़ेगा आएगा तेजी से आएगा वो है जिंदगी तो रसुल साम ने जो डेफिनेशन हमें जिंदगी की दी है वो हमारे आम अलूम से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसकी मिसालें कुरान करीम में कई जगह मिलती हैं हमारे यहाँ एक शख्स जब मजहब की खातिर लड़ता हुआ मारा जाए तो हम शहीद उसको कह देते हैं अब आम इस्लाम में वो फोत हो गया मर गया जिसे आम हम ए, दुनिया की जो असिलाह हैं उसके मुताबिक देखें कुरान करीम क्या कहता है यानी रसूल की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है आप फरमाते हैं अल्लाह से इलम पाकर वाला कोतलूफी सबी अमवातन बल इंदा रब जो लोग की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो बला वो तो जिंदा है इंदा रब अपने रब के हजूर उनको रिस्क दिया जा रहा है अब आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दुनिया में जिंदा जिन्द, और मुर्दा की तारीफ है जो जिंदगी की तारीफ थी वो मैंने आपको बता दी कि जो नासा ने मसल की हुई है और जब कोई चीज वो नहीं उस पर अमल कर रही यानी वो ए, सिफात का इजहार नहीं कर रही तो वो मुर्दा है अब नासा की अतलाह के मुताबिक एक शख्स जो फोत हो गया जंग में मारा गया वो तो हो गया मुर्दा मगर रसूल की सस्म की तलीम जो अल्लाह से उन्होंने पाई वो ये कह रहे हैं कि वो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें उसका शूर नहीं है ए, उसकी वजह क्या है वो वही वजह है जो शुरू में बताई गई है कि ज़िंदगी की तारीफ़ ये है कि जो शख्स अल्लाह ताला की जानब सफ़र करे तो वो शख्स जो खुदा तला की खातिर लड़ रहा है और उसमें वो जिंदा रहता है या फोत हो जाता है वो अल्लाह तला की खातिर ही कर रहा था अपने खालिक की खातिर कर रहा था तो वो उसका सफ़र जारी है वो जिंदा है वो कैसे फोत हो गया इसकी मज़ीद तफसील है लेकिन मैं मेरा मकसद सिर्फ़ ये था कि ये बताना कि कुरने करीम की असलाहत बिल्कुल डिफरेंट हैं जो दुनिया में मुरवज हैं और ये रसूल की, की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसी तरह अब इसको हम एक और पहलू से ज़िंदगी को देखते हैं और क़ुरान करीम में जा बजा इसका ज़िक्र आता है एलामू अन्ला बदा मोतहा जान लो कि अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है ये बज़ाहर यूं लगता है जैसे जमीन मुर्दा हो और वो जिंदा हो जाए और उसको यूं भी लिया जाता है कि गोया बारिशें हों तो उसमें से सब्जियाँ और जमीन अपना सब्जा जाहिर करे तो मुर्दा से जिंदा हो गई इस मानी से भी इनकार नहीं है मगर इसका मतलब रूहानी दुनिया में यही है कि जब इंसान मुर्दा हो जाता है यानी वो अपने खालिक की तरफ सफ़र नहीं कर रहा होता जो ऊपर अभी तारीफ मजहबी बयान की गई थी तो फिर अल्लाह ताला उसको जिंदा करता है किस तरह करता है आसमान से पानी नाजिल करता है यानी इल्हाम करता है आसमानी पानी उतरता है और वो जिंदगी बख्शता है अब इसको बताने के लिए वजाहत करने के लिए एक दो आयतें और रखता हूँ मेरे पास इस काफी सारी आयात हैं लेकिन तवालत की वजह से मैं मुख्तसर करता हूँ बात को कुरानी में में आता है व जलना मिनल शैन श हमने पानी से हर एक चीज को जिंदा किया जाहरी तौर पर भी हम कह सकते हैं कि आम जो जिंदगी की आगाज है वो पानी में हुआ लेकिन जब हम मजहबी टर्मिनोलॉजी में इसको देखते हैं तो इसका ये मफहूम भी साथ ही है कि जब खुदा तला ने वही से किसी शख्स को इल्म बख्शा और हकायक और सच्चाइयाँ जाहिर कर दी सच्चाई यही है कि अल्लाह अल्लाह की तरफ अपने खालिक की तरफ सफर करो तो वो जिंदगी है अब इसी को इसको सबूत के लिए मैं एक और चीज पेश करता हूं कुरान करीम में आता है या योलाजीना मनुस्तिबो लसूल इजादा कुम लिमा युहीकुम ए लोगो अल्लाह और उसके रसूल की के बुलाने पर उसकी तरफ जाओ लिमा यो यू ताकि वो तुम्हें जिंदा करे वो जिंदा तो पहले ही है यानी दुनियावी जिस चीज को जिंदा कहा जाता है वो साफ़ से तो वो जिंदा है लेकिन जिस चीज के लिए उनको बुलाया जाता है वो है जिंदगी ला इल्लल्लाह इसी की तरफ दौड़ो एक अल्लाह इसी को मबूद बना के रखो किसी और को नहीं पूजना तो ये वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो वसल्लम ने बनीनो इंसान के सामने रखी कि जिंदगी की तारीफ ये है कि इंसान अपने खालिक की तरफ तेजी से चले अब इस जिमन में मैं ये बताना चाहता हूं कि वो दोस्त जो इस दौर में इस जमात में शामिल हो रहे हैं दरअसल वो भी जिंदगी की तरफ दौड़ रहे हैं इसको मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है जिस तरह कुरान करीम में आता है कि अपने अल्लाह के इस रसूल की तरफ आओ ताकि तुम तुम्हें वो जिंदा करे फिर रसूल की इंसान ने खबर दी के ये जो है सिलसिला वो चलता रहेगा फ़इम्मा याते यन्ना को मिन्नी हुदन फ़मन फ़मन ताबे आहुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम अब ये बात अगर अगरचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी हो रही है लेकिन नाजिल किस पे हो रही है ये खबर रसुल गीम सजम पर और ये सीधा है हाल और मुस्तबिल का वा इम्मा याते यन्ना कुम जब भी तुम्हारी तरफ मेरी जानिब से हदायत आए यानी रसूल गीम ससम को मुखातिब करके अल्लाह ताला तलामा रहा है और रसूल की इंसम अपनी उम्मत को मुखातब करके कह रहे हैं या बनिनो इंसान को मुखातब करके कह रहे हैं कि जब कभी आइंदा मेरी यानी अल्लाह की जानब से हदायत आए फमन तो ताब हदाय फ़ला खौफन वाला हम यान जो कोई इस हदायत को मान लेगा उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा और कोई गम नहीं होगा ये हदायत वही है ये ज़िंदगी बख्श होती है इसकी बड़ी मिसाल हम देख सकते हैं कि आज से सौ साल से कुछ जायद अरसा पहले उम्मत मुसलिमा में एक शख्स ने ये दावा किया कि मैं अल्लाह ताला से वही इल्हाम की रोशनी पाकर आपको सच्चे खुदा की तरफ बुलाता हूँ और ये जो गलतियाँ आप में पैदा हो गई हैं ये 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 गलतियाँ हैं इनको छोड़ दें और इन सच्चाइयों की तरफ आए सब जानते हैं जमात एहबिया के तमाम अफराद इसे कभी बेखबर नहीं होंगे अब ये देखें कि जब ये मिर्जा साहब का दावा या उनका पैगाम पहुंचा तो जिन लोगों ने इस हदायत को मान लिया उन्होंने नई जिंदगी पाई वो अंधेरों से निकल आए अब इन्हीं मिर्जा साहब की नस्बत मैं एक तहरीर पेश करना चाहता हूँ जो मीर दाऊद अहमद साहब ने लिखी है और बड़ी अच्छी तहरीर है बड़ी जेन को उजागर करने वाली तहरीर है जो वो मिर्ज़ा साहब असलम की नस्बत बयान कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब की तहरीरात की रूह से मुख्तफ मौजूआत लेकर उन्होंने वो किताब कंपाइल की है उसके तारुफ में वो लिखते हैं किसी शख्स का ये दावा करना कि अल्लाह मुझ से हम कलाम होता है और उसने मुझे अपना बरगजीदा मामू ठहराया है और मुझे इल्म लदुनी से सरफराज फरमाया है और मुझे तमाम दुनिया पर फजीलत अ फरमाई है और उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसकी तरफ से रसूल होकर तमाम मखलूक को उसकी तरफ बुलाऊं ये देखिए वही बातें हैं जिंदगी की इतना गैर मामूली और जरूरतमंदाना दावा है कि कोई अकलमंद इंसान इससे अदम तवज नहीं बरत सकता दुनिया की अदना अदना हुकूमतें जब किसी को अपना नुमाइंदा या सफीर बनाकर किसी दूसरे मुल्क को भेजती हैं तो बड़ी बड़ी जाबर हुकूमतें भी उसकी बात सुनने और उसकी तरफ तवज्जो करने पर मजबूर हो जाती हैं कुजा ये कि तमाम कायनात के को मालिक की तरफ से जिसकी मुट्ठी में ये सारा जहान है जो हर चीज़ को नेस से हस्त में लाया और जब चाहे उसे एक एन में फिर हस्ती से नेस्ती की तरफ लौटा सकता है आने वाले पैगाम बर से लापरवाही और अदम तो का हक जाए समझा जाए ये बहुत ही अच्छी तहरीर है और बिल्कुल सही नतीजा उन्होंने निकाला मीर दाऊद साहब ने अल्लाह उन्हें जजा दे सवाल ये है कि आज सौ साल से जायद अरसा के बाद फिर एक शख्स ने दावा कर दिया कि अल्लाह ने मुझे ये खबर दी है और मैं आपको उसी अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ वर्चू इज गॉड तो फिर इस मामले में क्यों अदम तवजी बरती जाए ये सवाल है हरगिज़ नहीं बरतनी चाहिए आप गौर करें कि आने वाला क्या कह रहा है हजरत मसीमा इस्लाम को तो हम सब मानते हैं कि खुदा के एक बरगजीदा इंसान थे वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हर सदी पर यह मामला होगा और आने वाला अपनी सदी के अंदर यानी एक सदी जो गुजर जाएगी उसमें जो फसादात गलतियां पैदा होगी होंगी उन फसादात की निशानदेही करेगा और उनको दूर करने के तरीके बताएगा ताकि इंसान फिर जिंदा हो उसी खालिक की तरफ जाए जो गलतियां वो कर चुके हैं तो गलत रास्तों की तरफ जा चुके हैं उनसे लौट आए अपने खालिक की तरफ सफर करें यह बात जो है ये मिर्जा साहब ने बयान की सारी अहमदियों को इस, इसकी तरफ जो देनी चाहिए थी मगर क्या जिस तरह हमेशा से होता आया हजरत ईसा जब दुनिया में आए तो क्या सबने उनको मान लिया था कुरान करीम जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमें बताता है कि वो ये कहते थे कि एक अल्लाह की इबादत करो वो कहते हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मुझे और मेरी माँ को मबूत बना लो जब तक मैं उनमें रहा मैं निगरान था मैं खुदा जब तूने मुझे वफा दी थी तो तू जानता है कि मेरी कौम ने बाद में क्या किया इसी तरह आप देखें कि रसूल की सहर हुए हजरत ने फरमाया था कि खुदा दूसरी कुदरत तुम्हारे पास भेज देगा उन्होंने लफ्स जो बाइबल में मैंने पढ़ा दूसरा मददगार इस्तेमाल किया है लेकिन बात या मजमून एक ही है वो रसूल की सम की सूरत में वो वजूद जाहिर हो गया तो कितनों ने मान लिया उसे वही अपनी दुनिया में जो मगन हो जाते हैं अपने सिलसिले बना लिए होते हैं उसी में गर्क रहते हैं और कुछ खुश खुशकिस्मत होते हैं जो जिंदा हो जाते हैं जो सच्चाई हक को पहचान लेते हैं फिर रसूल की के बाद हम देखते हैं कि मिर्जा साहब ने भी आकर बात की सच्चाइया बताई तो बस कुछ खुश खुशकिस्मत लोग थे जो जिंदा हो गए फिर मिर्जा साहब ने खुद जा बजा कितने कतियत के साथ लिखा है कि खुदा ने मुझे खबर दे रखी है और वो कति और यकीनी खबर है कि मैं मसी एक और ईसा को जाहिर करूंगा जो सदाकत का निशान रसूल की के लिए मांगा गया था उसका भी तजिया करके देख लें उसमें भी एक जकी गुलाम की खबर दी गई थी आपने ये लिखा कि उस मसीह को याद रखो किसने याद रखा उसको यानी कति तौर पर मिर्जा साहब एक आने वाले वजूद की खबर दे रहे हैं और हम ये देखते हैं कि मिर्जा साहब के बाद जैसे हमेशा हमारे पास मजहबी हिस्ट्री है कि लोग गुमराह हो जाते हैं अपने असल रास्ता से हट जाते हैं यही काम मिर्जा साहब की जमात में हुआ इसमें बहुत ही वो खुशकिस्मत लोग हैं जो उस सच्चाई को मान लेते हैं जो हकीकी खालिक की तरफ ले जाने वाली होती है और इस जीवन में वो लोग जो अब इस जमात में शामिल हो रहे हैं हमारे सब की तरफ से उनको इस चीज की मुबारकबाद भी है और अल्लाह ताला अपनी ज़ात का इरफान उन्हें कराए उनकी राहें आसान करे उनको वो नूर और बसीरत अता करे कि इस गुजरते हुए वक्त में जो कुछ वाकयात हो रहे हैं उनके पीछे वो एक खालिक के वजूद के चेहरे को देख सके कि वो किस तरह अपनी सच्चाइयां जो पहले गैब की खबरें थीं उनको इम्तारा ज़माना में जाहिर करता है जो इब्तदाई दौर होता है वो बहुत जिसे कहें ईमान एक कमजोर होता है फिर तजर्बात गौरफिकर से वो छोटा सा कमज़ोर सा पौधा एक तनावर दरख बन जाता है हमारी तमाम जमात की तरफ से ऐसे लोगों को के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़बूत तनावर दरख्त बना दे ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरे तजर्बात जो हैं वो वो मुझे ये बात कहने की ताकत देते हैं मैंने कई जमात अहमदिया के अफराद से जो हमारी जमात में शामिल नहीं बात की और वो कहते हैं बात उनको दलायल तो समझ आ जाते हैं फिर कईयों के जवाब होते हैं कहते हैं कि जिस तरह आपका अखराज और मकत्या हुआ हमारा भी होगा हमारे तो भी बच्चे छोटे हैं उनकी शादियां होने वाली हैं उन फिर यह है कि हम फौत हो जाएं तो हम दफन कहाँ होंगे इस तरह के बेशुमार खदशात का इजहार करते हैं अल्लाह ताला जानता है कि उनके दिलों में क्या है वही उनको उनके सीने की बातों को जानने वाला है कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं मगर हमारा इजहार ना किया जाए बिल्कुल ठीक है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही किया जाता है कुछ ऐसे होते हैं जो फिर पूरी कुवत से उस मिशन के लिए काम करते हैं ये सब नमूने पाए जाते हैं और ये चीज़ें हम रसूल करीम वसल्लम के जमाना में भी देखते हैं बाज अब को आपने जब वो आप पर ईमान लाए तो खामोश रहने का और पुशीदा ईमान रखने का मशवरा दिया बाज इस तरह के भी आए हज़रत उमर जैसे उमर रजी अल्लाह तुम कि उस वक्त मुसलमान भी छुप छुप कर इबादत किया करते थे तो फिर हजरत उमर जैसे दिलेर बंदे आए और फारूक का खिताब पाया फिर हम ये भी देखते हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तु जब सर जमात के सरबरा बने और खतरात थे और कबायर साहबा ये मशवरा दे रहे थे कि इस लश्कर को जो रसूल की सम ने भिजवाने के लिए तैयार किया था और आपकी लालत की वजह से रुका हुआ था इसको फिलहाल मदीना में रोक के रखें तो हजरत अबू बकर जैसा अजीम इंसान वो जवाब क्या ही अजमत है उस जवाब में कि मदीना की गलियों में अबू बकर की लाश को कुत्ते भी घसीटते फिरे ये लश्कर जाएगा उन लोगों ने कोई परवाह नहीं की हमारे साथ क्या होगा जो ये लोग खदशात का इजहार करते हैं हम दफन कहाँ होंगे हमारे बच्चों का क्या होगा अल्लाह जानता है मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूं उनको ये नमूने भी देखने चाहिए क्योंकि जिंदगी को पाना एक मौत को कबूल करना है जिन्होंने इसको कबूल किया अल्लाह ताला ही उनकी जज़ा देने वाला है हम सब जमात की नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं अल्लाह ताला उनको अजर अजीम बख्शे उनको अपनी हस्ती का इरफान कराए, इस जमन में कुरान करीम की मुझे वो आयत याद आती है इन अल्लाजीना कल रब्लास्त काम तजल लोअमलाका अल्लाह तखाफु वला ताजनु वाफिरु बिल जन्नती कुन तुम वो लोग जो अपने रब पर ईमान लाए रब पर ईमान लाए एक रस्मी सा ईमान चला आ रहा होता है मिर्जा साहब यानी रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि तो जिंदा किया बाकी लेकिन यह सिलसिला खत्म तो नहीं हुआ फिर एक आने वाले ने उसी सिलसिले को जिंदा किया और एक जिंदा खुदा का पता दिया बे रबे वो रब जो सारी कायनात की परवरिश कर रहा है फिर इस जमाना में आने वाले ने यह कहा कि वो खुदा सुप्रीम अल्टीमेट यूनिवर्सल ट्रुथ है ये उसकी सिफात है ये उसकी तारीफ है तो इस रब की तरफ बुलाया गया वर्चू इज गॉड सुमस्त आमू फिर इस रब पर ईमान लगाकर वो इस्तकामत अख्तियार कर गए तो अल्लाह के फरिश्ते उनको तसलियां देती हैं कि तुम कोई खौफ ना करो कोई गम ना करो और उनको बिशारत देते हैं उस जन्नत की जिसका उन्हें वादा दिया गया है यहां पर भी जिस जन्नत का वादा दिया गया है वो गुज्त जुमे में मैं बता चुका हूँ हमारा खुदा हमारा बहिशत है हमारी आला लजात हमारे खुदा में है वही बात जो जिंदगी की अलामात हैं जिसको जिंदगी की तारीफ रसुल गसम ने करके बताया कि ये है जिंदगी की तारीफ वो वही है कि खालिक की तरफ जाओ तो हमारी जन्नत हमारा खुदा की तरफ लौट जाना है तो मेरी इन तमाम नए आने वालों को उनके लिए ये दुआ है और अल्लाह ताला उनको इसी जन्नत की तरफ लेके जाए और उनके ईमान को मजबूत से मजबूत तर करता चला जाए दवाना वो आखरदवाना अनिली الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون मुस्कुरुल्लाह यस्कुरुकुम वधु हो यजिबलाकुम विक्रुल्ला हे अकबल